इस तरह के अनुभव कभी जीवन में लिए नहीं। दर्शन क्रिया तो बहुत ही जिंदगी में ये सोच रहा हूँ आज से कई टाइम पहले हुआ होता ना, जो मैंने सीखा होता बहुत अच्छा रहता। देखिए जीवन में कुछ ऐसे भी अनुभूतियां होती है जो समय के जाने के बाद में पश्चाताप होता है कि उस समय नहीं कर पाए, अगर पहले करते तो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे लगा कि हमारा फिर से जन्म हुआ है। खुद से जब मिले तो आंसू आ गए, मतलब कि कभी नहीं मिले, जो मिलके खुशी होती है ना वो खुशी मतलब मिली और बहुत आनंद मिला। मुझे बहुत कुछ अच्छा मिला, जो ये पहले मिलता तो मेरा जीवन और भी सुंदर बनता। यहाँ आने के बाद में मतलब सबसे जो अच्छा फील किया है वो ये किया है कि प्रेजेंट में जीना सीखा है। और मैंने ये देखा है कि जब अपन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इस कैंप में रहे हैं, अपन प्रेजेंट में जिए हैं, कभी भी पास्ट में नहीं गए। मेरे 40 साल के अनुभव में ये कभी नहीं रहा है कि मैं वर्तमान में जी पाया हूँ, कहीं ना कभी पास्ट ने आके कभी फ्यूचर ने आके अपने को डिस्टर्ब किया है। मैंने खुद को अपने आप को महसूस किया है और बहुत ही अच्छा। इन 5 दिनों में मुझे जो मिला वो मतलब पहले नहीं मिला है। बड़ी मतलब फीलिंग होती है, मेरे आंखों में आंसू आने की ये सिचुएशन अनुभव करवाने के लिए गुरुदेव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज मैं इतना खुश हूँ कि मन करता बस यहाँ पे बैठा रहूँ और यही काम करता हूँ। मैं सकारात्मक जीवन जीता हूँ ऐसा लगता था, मुझे कोशिश भी करता था, लेकिन जो पॉइंट्स जो थे जहाँ पे कोई स्टेप आउट लेना चाहिए था उससे अज्ञानी था। जो ज्ञान जो नॉलेज यहाँ मिला है उसका मैं आनंद, पहले दिन से आनंद की अनुभूति, भैया ने बोला अपने आप को मतलब समय पहली बार ही दिए। धन्यवाद, जो ये ऋण है वो है जो कहीं नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोई भी ऐसी दुकान नहीं मिलती जहाँ हम मिले, कोई भी ऐसी जगत में ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ हम स्वयं मिले। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन स्वयं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, अंदर अनुभव हुआ है। अंतिम क्षण में इतने आह्लादित हो गए कि पता ही नहीं चला था कि हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, नाच रहे हैं कि गा रहे हैं, ये बहुत शानदार अनुभव था। ये बोलते हैं मतलब फीस के बारे में बताते हैं, यहाँ पे मतलब जयपुर में कितना है 2700 रुपए, इधर जैसलमेर में 1750, यहाँ पे 350, और ये 5 दिन का अनुभव करके ऐसा लगा कि 3.5 लाख रुपए दे तो कम है इस फील्ड में। जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन तक की स्थिति ये थी कि मैं अपने आप को पूरा समझता था कि मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, तो वो ठीक वैसा ही अनुभव था जैसे एक बूंद अपने आप में वैसे पूरी होती है, लेकिन वो बूंद के रूप में ही पूरी होती है। जब उसका सागर से मिलन होता है तब वास्तव में वो संपूर्णता था, संपूर्णता होती है। शायद मैं सागर में मिलने की स्थिति में तो नहीं हूं, लेकिन उस रास्ते पे हूं, और ये गुरुदेव से ये अपेक्षा है कि वो हमारी अंगुली पकड़े और हमें उस सागर तक लेके जाएं। पर अब ऐसा लग रहा है कि हम जैसे बचपन में कैसे बच्चे की लाइफ जी रहे होते थे, अब वैसा अनुभव हो रहा है। थैंक यू। यहाँ बहुत अच्छा सीखा, खुशी मिली मेरे को, आगे भी कंटिन्यू रखने के विचार चल रहा है। कारण से अपने बच्चों को, अपने लोगों को ऐसे शिविरों की, ऐसे संगठनों की आवश्यकता रहती है इस वर्तमान युग के अंदर। तो अगर आप इससे जुड़ेंगे, अपने बच्चों को भी जोड़ेंगे, तो इस दुनिया में सब कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है। किस तरीके से अपने आप को पहचाने, किस तरीके से दुनिया के साथ में व्यवहार करें, हम सबको पहचान पाते हैं और एक अच्छा आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए इन चीजों से मैं आने वाले समय में कारण और मोटिवेटर दोनों बनूंगा। जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और संकोच जो था वो काफी कम हुआ है, तो शरीर के अंदर स्फूर्ति, आशावान और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, और सभी से मेल जोल, एक दूसरे से प्रेम, और ये जो नजदीकियां और काफी भ्रांतियां थी वो भी दूर हुई है। पहले सब अपन अंधेरे में थे, भागम भाग जिंदगी, अभी 5 दिन के पीरियड में अपने आप को जानने की कोशिश की, बहुत स्फूर्ति मिली, और ये चीज जो कहीं भी नहीं मिलती है वो अपने आप में अपने भाई। पहली बार जब सिलेक्शन क्रिया की तो उसके बाद मन को काफी शांति मिली, ऐसे लगा कि खुद से ही कटा हुआ खुद से गई, फिर से खुद को वापस जाना।